वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जैसा कि रिजल्ट अपडेट कर दिया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, बेशुमार तलबा के कमेंट आए कि उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और कम अज़ कम ये आवाज़ उठानी है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने रिज़ल्ट अपडेट किया, तलबा को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, हर दूसरे तलबा का ये कहना है। वो जैसा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद अली रजा डोन साहब ने भी कहा था कि जो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस होगा या एम्बिगस होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। तो या तो आप रिमूव कर दें या फिर ग्रेस मार्क्स दे दें। ये क्या बात हुई कि चंद तलबा को आपने उनके 14 मार्क्स वैसे रिमूव कर दिए और बाकियों को आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए। ये फ़र्ज़ करें आपने रूल आउट कर दिए हैं, वो एमसीक्यूज आपने निकाल दिए हैं, तमाम तलबा के लिए वो कैंसिल हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही इन तलबा के किस तरह से 197, 198, 196 कैसे आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं 193 भी हैं, 192 भी हैं तलबा के, 194 भी हैं, 195 भी हैं, जबकि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 197 है, जो कि गज़ट में अभी तक मुझे शो हो रहे हैं हनान सईद के। अगर हनान सईद साहब के 14 एमसीक्यूज रिमूव होते हैं, वो सब के रिमूव होते हैं, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, तो फिर इनके 197 कैसे आ सकते हैं। इसका यही मतलब है ना, इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अगर ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो इतने ज़्यादा तलबा को अपने ग्रेस मार्क्स क्यों नज़र नहीं आ रहे और ओवरऑल मैट क्यों नीचे जा रहा है। खैर ये छोटे से मुझे इतराज़ात हैं और मज़ीद तलबा तो अभी सोए हुए हैं, जैसे ही उठते हैं अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यह रिज़ल्ट कोई सेटिस्फाइड तौर पर तलबा को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अगर रिमूव किए तो सब के रिमूव कर दे, अगर उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो फिर हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर ऑथेंटिक न्यूज़, बेस्ट न्यूज़। सो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करते रहेंगे। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।